2019 की है जब चंद्रयान 2 चांद की सतह पर लैंड करने जा रहा था। तब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रमुख के सीवन ने कहा था कि चांद पर लैंड करने के पहले के 15 मिनट बहुत ही ज्यादा दहशतपूर्ण होने जा रहे हैं। और अब जब 4 सालों बाद भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करने जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हम आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड करने जा रहा है। के सीवन ने कहा था कि ये हमारे लिए एक भयानक क्षण होगा, सभी की नजरें अपने कंसोल्स पर टिकी होंगी। टेलीमेट्री पैरामीटर्स हमें लगातार बता रहे होंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचकर चिंता होती ही रहेगी कि अगले ही पल क्या होगा। अब हम आपको बता दें कि चांद पर जाने का इतिहास क्या कहता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 20 से ज्यादा बार चांद पर लैंड कर चुकी है। इनमें से 6 बार यान में इंसान भी मौजूद रहे। इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक चांद की सतह पर उतरने की कला में महारत हासिल नहीं कर सके हैं। बीते 10 सालों में सिर्फ चाइना ही 3 बार चांद पर उतरने में सफल हुआ है। इससे पहले बहुत सारे लैंडिंग 1966 और 1976 के बीच हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि 1963 से 1976 के बीच 42 बार चांद पर लैंडिंग की कोशिश की गई है, जिसमें 21 बार सफलता मिली है। तो चलिए अब समझते हैं कि चांद पर लैंड करना इतना मुश्किल क्यों है और रशिया का लूना 25 चांद पर लैंड करते ही क्रैश क्यों हो गया। लैंडिंग से पहले करीब 384,400 किलोमीटर की मुश्किल यात्रा पर विचार करना जरूरी है। अब इतनी लंबी यात्रा के दौरान कहीं भी मिशन के अनसक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब एक वजह यह भी है कि अर्थ पर वापस लौटते वक्त अंतरिक्ष यान हमारे ग्रह के घने वातावरण पर निर्भर रह सकता है। दरअसल इसकी मदद से यान को ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन मिलता है और वो सुरक्षित तरीके से उतर सकता है। वहीं चांद पर पतले वातावरण के चलते ये मुश्किल प्रक्रिया है। ऐसे में चांद पर लैंडिंग के वक्त प्रोपल्शन सिस्टम ही यान की मदद कर सकता है। आसान भाषा में समझें तो यान को अपने साथ काफी ईंधन ले जाना होगा ताकि वो लैंडिंग करते वक्त अपनी स्पीड को धीमा कर सके। इसके अलावा चांद पर GPS भी नहीं होता। ऐसे में यान में मौजूद कंप्यूटर्स को काउंटिंग करके लैंडिंग की जगह को लेकर तत्काल फैसला लेना होता है। ये प्रक्रिया तब और मुश्किल हो जाती है जब यान चांद की सतह से कुछ ही किलोमीटर दूर रह जाता है। साथ ही चांद की सतह पर धूल, बड़े पत्थर और गहरी खाइयां भी परेशानी पैदा कर सकती हैं। हम आपको बता दें कि लूना 25 के चांद पर क्रैश होने के साथ ही रशिया का मिशन मून फेल हो चुका है। और अगर आपको एक डिटेल वीडियो देखना है कि लूना 25 आखिर क्रैश कैसे हुआ तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पे आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।